नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में गैस पीड़ितों को मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मोर्चा निकालकर विधानसभा का घेराव किया। कुरवाई में पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने महिला पुलिस वॉलंटियर के सम्मेलन में कुरवाई में शिरकत की। पर्यटन नगरी खजुराहो में 2 और 3 दिसंबर को राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में गैस पीड़ितों को मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मोर्चा निकालकर विधानसभा का घेराव किया, जिस पर पुलिस ने उनको जहांगीराबाद पर ही रोक लिया। रैली में कांग्रेस नेता आरिफ मसूद और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपनी नाराजगी जताई और साथ ही कहा कि गैस पीड़िताओं को इंसाफ देना होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आखिरकार शराब दुकान कर्मी से लूट करने वाले लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। जी हां, पिछले दिनों धनवंतरी नगर चौकी के अंतर्गत जबाली पैलेस होटल के पास 2 नकाबपोशों ने शराब दुकान कर्मी से 1,61,000 की लूट की थी। दिन दहाड़े की गई ये लूट जबलपुर पुलिस के लिए भी एक चुनौती ही थी, लेकिन आरोपी ज्यादा दिन तक पुलिस पकड़ से दूर नहीं रह सके। एएसपी क्राइम संदीप मिश्रा और एएसपी साउथ संजीव उइके ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस लूट में राजपाल सिंह, जो स्वयं ही शराब दुकान का कर्मी भी था, वो खुद भी इस लूट में शामिल था। उसने बताया कि अपने 2 साथियों गुंदरई बेलखेड़ा निवासी नीलेश सिंह और बांदीपुरा दमहू निवासी अशोक यादव के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी और रकम को लूटकर तीनों ने बंटवारा भी किया था। कोई शराब ठेकेदार हैं जो बेलखेड़ा के, उनकी नौकर आ रहे हैं वहाँ से कैश लेकर, तो कुछ लोगों ने बाईपास पर लूट लिया। एक तो पल्सर से कोई गाड़ी से टू व्हीलर से आए, उनको पैसे कैश लूट कर निकल गए पूरे टीम को। और अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया कि शराब दुकान एक राजपाल नाम का आदमी इसमें इन्वॉल्व है। उसको पूरा हम लोगों ने उसको फॉलो किया, जब समझ में आ गया क्लियर पूछताछ की, उसमें पूरा फिर नीले जो क्लियर हुई घटना, उसमें नीलेश को उर्फ नीलू और अशोक यादव नाम के आदमी के नाम आए। हम लोगों ने फिर उन लोगों को इसमें जो राजपाल और इसमें नीलू, हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया नीलेश को। वन परिक्षेत्र कन्नौद की सिया बीट के कक्ष क्रमांक 180 में लकड़ी माफिया जंगल में घुसकर सागौन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इस सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कन्नौद विनोद वर्मा के नेतृत्व में आष्टा कन्नौद सीमा पर लकड़ी माफियाओं की घेराबंदी की गई। वन कर्मियों के अमले को देखकर लकड़ी माफिया अन्य रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गए। इसके बाद आष्टा तहसील के ग्राम इस्लामपुरा तक पीछा किया। इस दौरान लकड़ी माफिया खेत की मेड़ पर लकड़ी फेंक कर भाग गए। संदेह के आधार पर वन अमले ने समीर खान के खेत पर बने टपरे की तलाशी लेने का प्रयास किया, तो समीर ने हाथ में लकड़ी लेकर वन अमले को अंदर जाने से रोका और गाली गलौज करने लगा। वन अमले ने आष्टा पुलिस को सूचना दी। आष्टा पुलिस के पहुंचने के बाद संयुक्त कार्रवाई भी की गई, जिसमें वन अमले ने 50 नग सागौन की सिल्लियां, जिसकी कीमत 50,000 से अधिक बताई जा रही है, जब्त की गई है। कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, तो उनका फिर पीछा करना शुरू किया। सुबह 6:30 बजे से पीछा करते करते उनको हम लोग आष्टा में फॉलो करते आए। वो लोग लकड़ी लेकर के वहां से भागे। उसके पश्चात हम लोग पीछा करते हुए ये आष्टा क्षेत्र के अंदर जो गांव है मणिपुर, ये सॉरी क्या नाम, इस्लामपुरा, यहाँ पे कुछ लोग लकड़ी फेंक कर भागे। उसके पीछे जब हमने आगे खेतों में तलाशी ली, तो काफ़ी लकड़ी मिल गई। मकानों में तलाशी मिली, काफ़ी लकड़ी मिली।
नरसिंहपुर के थाना ठेमी पुलिस ने स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्मैक के ये कारोबारी टू व्हीलर गाड़ी से स्मैक की सप्लाई किया करते थे। बताया जा रहा है कि ये महादेव पिपरिया के निवासी दोनों सगे भाई हैं, जो स्मैक के कारोबार में लिप्त हैं। जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली तो पुलिस द्वारा दोनों कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिनके पास से कुछ मात्रा में स्मैक जब्त की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इस व्यवसाय के मास्टरमाइंड और सप्लायर की धरपकड़ के लिए पूछताछ भी की है और बाद में दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। कुरवाई में पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर ने महिला पुलिस वॉलंटियर के सम्मेलन में कुरवाई में शिरकत की। सम्मेलन अंबेडकर भवन में रखा गया था, जिसमें करीब 110 महिला पुलिस वॉलंटियर उपस्थित रही, जो एक स्वयंसेवक के रूप में पुलिस को महिला अपराधों संबंधी सूचनाएं देंगी। यदि कहीं पर महिलाओं के साथ कोई हिंसा हो रही है या प्रताड़ना हो रही है या महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है, बालिकाओं की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो ऐसी सूचनाएं कई बार महिलाएं और बालिकाएं नहीं दे पाती हैं, तो वो ये सजग प्रहरी के रूप में कार्य करेंगी और पुलिस मित्र के रूप में पुलिस को ये सूचना। गुरुवार को खंडवा के पिपलौत थाने के ग्राम बड़वा में सड़क हादसे में नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति गोयल परिवार के चार लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। गोयल परिवार तेलंगाना के आदिलाबाद से पारिवारिक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में खंडवा के समीप कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी। कार में परिवार के आधार स्तंभ में से एक केदार मल गोयल, धर्मपत्नी लीलावती गोयल, भतीजा ऋषि गोयल की हादसे में मौत हो गई, जहां गोयल परिवार के तीन लोगों की अंत्योष्टि नर्मदा तट स्थित खेड़ी घाट के मुक्ति धाम पर हुई। वहीं पुत्री पुष्पा का अंतिम संस्कार ससुराल सेंधवा और कार चालक लखन का सनावद में हुआ। पर्यटन नगरी खजुराहो में 2 और 3 दिसंबर को राष्ट्रीय सूखा मुक्त जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बुंदेलखंड में पड़ रहे जल संकट को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग शामिल होंगे। जल जन जोड़ो अभियान के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बुंदेलखंड में कुल 13 जिले आते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जो सर्वाधिक देश में सूखे से ग्रस्त हैं। अब इस संकट से कैसे निजात पाई जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए देश के विषय विशेषज्ञ, पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक विशेष कार्य योजना बनाए जाने के लिए 2 दिन की एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें माननीय अन्ना हजारे जी, माननीय राजेंद्र सिंह जी, इसके मुख्य प्रणेता माननीय राजेंद्र सिंह जी हैं और इसको जल जन जोड़ो के संजय जी इस कार्यक्रम के मुख्य करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।